बुली 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 गाइस घुमा रहे होते हैं वॉक के दौरान मिलते हैं, तो वो लोग मोस्टली 80% लोग इसको पिटबुल ही समझते हैं, लेकिन पिटबुल और एमस्टाफ में बहुत ही ज्यादा अंतर है। जो एमस्टेफ है इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, आप कह सकते हो कि दूसरा लैब्राडोर है। सर अभी इंडिया में इसका जो प्राइस है वो नियर अबाउट 1 लाख से स्टार्ट है, और आगे डिपेंडेंट क्वालिटी जैसे आपने कहा कि वाइट कलर में रेयर है, कितने लाखों तक का चला जाएगा? सर अभी उसके पप्स हुए नहीं है, पप्स हो जाएंगे आइडियल नियर अबाउट 2 लाख स्टार्टिंग प्राइस। गाइस ये है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं मैनेज कर रहा हूँ किस तरह दिखाई कर रहा हूँ। तो ये मेडल्स गोज टू द फ्रेडी और सबसे ये गोल्डन बोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है, एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। गाइस आपने ना साइबेरियन हस्की की बहुत सारी आंखों का कलर देखा होगा, ये ईगल आईज। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर शैलेंद्र सिंह संगर। शैलेंद्र जी ने कहा सर श्री फतेहगढ़ साहिब। ये कलर मैंने आंखों का बहुत कम देखा। थैंक यू जी, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। और वीर जी कहाँ से जी? मैं लुधियाना तो, मेरे पिंड रायगढ़ फनियर कैनल। फनियर कैनल। आपके पास ये पहले ब्रीड बताइए, ये कौन सी ब्रीड है? ये है तिब्बत मस्टिफ टीएम। टीएम गद्दी। सर एक थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बकरवाल टीएम गद्दी। सर जो बकरवाल और गद्दी और टीएम है ये टोटली डिफरेंट ब्रीड है। टीएम और गद्दी जमी टोटली डिफरेंट, बट लोग कहते हैं भी गद्दी से टीएम बना, टीएम से गद्दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि जो भेड़ों को चलाते थे ना, जो जैसे ढूंढ कंट्रोल करते थे उसको गद्दी बोलते हैं। वहाँ पर एक लोकेशन है गद्दी विलेज, प्रॉपर वो है गद्दी। गद्दी जे है टीएम तिब्बतन मस्टिफ। सर इसको अगर मैं कहूँ पंजाब के वेदर में, इंडिया के वेदर में रखना कितना मुश्किल है? नहीं सर कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बच्चे ब्रीडिंग के बच्चे बॉम्बे साइड, वहाँ पर गर्मी पड़ती है ज़्यादा, क्वार्टरों में भी गए हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना। अगर हम ब्रीडिंग सही करते हैं, अगर लाइन देख के स्ट्रक्चर देख के सर को देख के ब्रीडिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई बोलता है भी हमने इसको फर्श पर रख लिया, टांगे ऐसी होगी, लेग बेंडिंग होगी, वो सर ब्रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर हम डाइट नहीं देंगे और चाहेंगे कि मेल इतना हो जाए फीम, वो तो नहीं बनेगा। डाइट भी जरूरी है और मौसम देखना पड़ता है भी, कैसे बच्चे को निकाले बाहर कैसे नहीं, है ना, बहुत कुछ देखना पड़ता है। गर्मियों में इस ब्रीड को आपको लगता है कि एसी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है? सर ये विदाउट एसी रहता है। अच्छा, अब कोड देख लो, कंडीशन देख लो, जब मर्जी आ जाना बिना बताए मैं करता। लेकिन ऐसा मिथ क्यों है कि जो डॉग ठंडी के एरिया से आते हैं, पहाड़ों के एरिया आते हैं, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन रखना? सर हमारे दिमाग में होता है ऐसा, कोई मतलब नहीं कि डॉग को हमने एसी देना है
गर्मी में नहीं रखना, जैसे हम डॉग को रखना चाहते हैं वैसे डॉग हो जाता है वो, अपने हम जैसे अपना मतलब लेवल देख लो भी, हमने इसको एसी प्रोवाइड किया है ये कर, वो सब बातें होते सर। जो ये ब्रीड है रफ एंड टफ में रहने वाली ब्रीड है, हम इसको एसी में रख के मैट पर ऐसे सोफे करो सेंसिटिव बना लेंगे तो दिक्कत तो बहुत प्रॉब्लम आएगी सर, क्योंकि ये गार्डिंग के लिए प्रॉपर बनी है, इसको वैसे ही काम दो भी हाँ गार्डिंग करे। हाँ सर, मेरा घर खेतों में है, मतलब 1.5 किले में होगा आसपास, बिच्ची घर है और पीछे जमीन है मेरी, है ना, उसमें रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरख्त की छांव पे रहता है, कोई ऐसा कूलर नहीं, कोई पक्खा नहीं, गर्मी में मिट्टी होती है पर पक्का नहीं। और एक और बात बताइए, बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ बहुत ज़्यादा सर, आप पहली बार मिल रहे हैं इसको, इसकी बाइट जैसे मर्जी टच कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे गार्ड डॉग है, बहुत ज़्यादा घर वालों के लिए बिल्कुल सेफ है सर। मेरा बच्चा है 4-4.5 साल का, वो इसके मुंह में हाथ डाल देता है, कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। लो लो, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा कोई नहीं ऐसा सर होता है भी, ये बात ही होते हैं भी, इसने इसको काट लिया ये काट लिया, जैसा सर हम डॉग को रखेंगे वैसे ही होगा, अपने रखने पर होता है। जैसे हम इसको देते हैं डाइट देते हैं, इसको सिखाते हैं अभी क्या करना है, वो है। अभी सर ये शो लगा है, BOB लगा है और ग्रुप में लगा है। वेरी गुड, ये ग्रुप में चला गया तो आज शाम को और भी कुछ ना कुछ लेकर जाएगा जी। और अपना एक बारी कैनल का नाम सर, और कॉन्टेक्ट सर। मेरा कैनल का नाम है फनियर कैनल नियर द्रहा, तो सर मेरा मोबाइल नंबर है 9592678647। अगर आप रियल में जेन्युइन TM सर, चाइनीज ब्रीड नहीं करता मैं, ठीक है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए सर के साथ, और भी कोई आपके सवाल होंगे तो इनके साथ आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। मेरा नाम विक्रम है जी। विक्रम वीर जी, और आपका नाम जी? कार्तिक। कार्तिक वीर जी, और आप? प्रावलीन। प्रावलीन। वीर जी पहले बताइए कौन सी ब्रीड है? ये सर अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर है, जिसको एम स्टेप भी बोलते हैं। ओके, बट थोड़ा बताइए, लोग पहले जिसका ये देखा होगा वो लगा होगा ये पिटबुल है। हाँ बेसिकली नॉर्मली हम लोग जैसे अभी लोग मिलते हैं हमें, जैसे शोज में मिलते हैं या वैसे कई बार घुमा रहे होते हैं वॉक के दौरान मिलते हैं, तो वो लोग मोस्टली 80% लोग इसको पिटबुल ही समझते हैं, लेकिन पिटबुल और एमस्टेफ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जो एमस्टेफ है इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, आप कह सकते हो कि दूसरा लैब्राडोर है, और जो पिटबुल टेरियर है उसकी नेचर थोड़ा सा, उसका टेम्परामेंट थोड़ा शॉर्ट होता है, वो थोड़ा सा और अग्रेसिव होता है, इसे ये बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, बच्चों के साथ फैमिली में बिल्कुल फैमिली डॉग है। अगर किसी ने फर्स्ट लुक में, जैसे अभी आपने कहा कि वॉक पर लेकर जाते हैं, फर्स्ट लुक में अगर किसी ने जज करना हो तो पिटबुल और इसमें बॉडी स्ट्रक्चर में कैसे कोई आइडेंटिफाई या कह लो कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है? एक्चुअली पिटबुल टेरियर थोड़ा सा इससे ज़्यादा मस्कुलर बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि उसका फेस स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप दोनों को फोटोज़ देखो या R&D करो उसके बारे में, तो बहुत सा आपको अपने आप अंतर पता लगना शुरू हो जाएगा, तो दोनों में बहुत अंतर है। ओके, इस ब्रीड में अभी जो लग रहे हैं एलिगेशन बिकॉज ऑफ पिटबुल, आप व्यूवर्स को पहले तो मेरे ये बताइए कि अपना पहले कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दीजिए और लोकेशन पहले बताइए प्लीज़। सर मैं बेसिकली पटियाला से हूँ, पटियाला कैंट से, और मेरा नंबर है 7378600041। गाइज मैंने ये नंबर इनका इसलिए पहले दिलवा दिया क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई सवाल ऐसा मिस कर जाऊं जो आपके मन में हो और आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मेरा पहला सवाल ये है, ये सर छोटे घर में बड़े आराम से रह लेते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ, मैं इस ब्रीड की बात कर रहा हूँ, मतलब पिटबुल। देखिए ऐसा है कि आप छोटे घर में रखिए, लेकिन इसको अभी ये वर्किंग ब्रीड में आप बोल सकते हो कि ये वर्किंग ब्रीड है, इसको सैर या थोड़ी सी फिजिकली एक्टिविटी तो देखो हर कुत्ते को कंपलसरी है, उसके बिना जॉइंट में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है,
एक एज में आके थोड़ा सा वो लेजीपन आ जाता है डॉग में, ऐसी कई सी चीज़ें होती हैं जो आपको फिजिकली एक्टिविटी जैसे ह्यूमन के लिए ज़रूरी है वैसे एनिमल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। ओके, एक मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ कि अगर आपके घर में घर छोटा है तो फिजिकल एक्सरसाइज आपने कह दिया कि अच्छी लंबी वॉक से पूरी हो सकती है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि आपका घर में मार्बल या स्लिपरी फ्लोर है तो इस ब्रीड को कितने सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग स्टेज में जब इनका बोन कह लो कि नरम होते हैं या ग्रो अप होने हो। देखिए ऐसा है कि जैसे जो बच्चा ग्रोइंग एज में है, छोटा पपी है, तो पहले तो सबसे पहले तो ये कोशिश कीजिए कि स्लिपरी फ्लोर ना हो, जहाँ पे उसके लेग्स हैं जो इसके नीचे का पाव है वो ऐसे फिसल ले ना, पकड़ कर पाए ग्रिप हो उस पर। या तो आप नीचे मैटिंग कर सकते हो, फ्लोरिंग कर सकते हो, या कुछ आप नीचे कुछ दरी टाइप कुछ बिछा सकते हो। जहाँ तक के सप्लीमेंट की बात है तो अच्छी फीड जिसमें कैल्शियम हो या अच्छी फीड हो कोई, आप स्टार्टिंग में वो ज़रूर दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं भी देनी चाहिए, जैसे टमाटर है या कुछ ऐसी सीड्स वाली चीज़ें होती है जो नहीं देनी चाहिए, पेट्स को नहीं देनी चाहिए। अच्छी फीड, हेल्दी फीड विद कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी है। एक और, आपके पास इसका स्टड सर्विस अवेलेबल है? बिल्कुल है सर, बट स्पेशली आप पिटबुल के साथ नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो फिर गलत काम हो जाएगा। गाइस हम तो प्योरिटी को वो करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं आपको गाइस कुछ पीछे दिखाना चाहता हूँ, ये है आज इनकी पूरी टीम की दिन भर की मेहनत। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई डॉग को शील्ड जीतता है ना तो उसके पीछे ऑनर या कह रहा हूँ कि ट्रेनर या एग्जीबिटर सब ऐसा नहीं, ये कुल मिलाकर के टीम वर्क होता है जो कभी मेरे हिसाब से कुछ महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। देखो गाइस कितना शांत है, लगभग आप धीरे मसाज करो तो वो ऑलमोस्ट सो गया है। एक और, जाते जाते इस ब्रीड के बारे में आपका लोगों को मैसेज क्या है? देखिए जी, ब्रीड कोई भी बुरी नहीं होती है, हम लोग बुरे होते हैं जो ब्रीड को बुरा बना देते हैं। जैसे कि अभी आप लगा लीजिए कि पीछे से आज से कुछ 6 महीने या साल पहले हम लोग लगाएं तो कितना लोग इस ब्रीड से डरते थे। उसका कारण था कि हम लोग उनको आपस में लड़ाते थे, चाहे वो पाकिस्तानी बुली है, चाहे पिटबुल है, चाहे एमस्टेफ है, चाहे कोई और ब्रीड है, आपस में उनको लड़ाने मतलब गलत काम करते थे, इसीलिए वो लोग ब्रीड बुरी हो जाती थी। अगर आप इसको पेट के वो अच्छे से प्यार से घर में रखोगे, पेट की तरह रखोगे, एक फैमिली मेंबर की तरह रखोगे, तो ये गार्ड डॉग और प्लस आपका फैमिली मेंबर बनता है। बहुत अच्छी बात थी कि बिहेवियर हमेशा एक ऑनर या फैमिली देती है, ना कि कोई ब्रीडर कह लो कि डॉग अपनी माँ के पेट से कोई गाइस बिहेवियर सीख कर नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये बिहेवियर ऑनर पर डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच। एंड जाते जाते एक बार और झलक गाइस इसकी आज की, ये अभी तो अभी लाइन अभी शो चल रहा है, अभी शो चल रहा है, और ये जो चार पीछे शील्ड है कह लो जो 5-6 भी हो जाए और अभी बैठ रहे हैं। ये दो रिंग्स दिए ने, अभी दो रिंग्स की दो रिंग बाकी है अभी गाइस, तब तो इनके लिए एक बैग देना पड़ेगा जो बैग भर कर लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। क्या नाम है इसका? जेब। और आपका? अलंकृता अनिल अर्चना। कहाँ से आप? यही चंडीगढ़ से। कब से आपके पास बोल रहे थे? 5 years हो रहा है। और ये 5 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ? बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं, मतलब अगर कोई न्यू कवर जो अभी इसको बच्चे लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर डॉग लेना लेता जाता है, फर्स्ट टाइम माने मैं ऐसे बता दूं, फर्स्ट टाइम डॉग, हम तो 25 साल से डॉग रख रहे हैं, कोई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर बनना चाहता है तो दिस इज द बेस्ट ब्रीड, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर बनना चाहता है, पहले कभी ब्रीड का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ब्रीड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको गोल्डन रिट्रीवर रखना। और अगर मैं एक दो सवाल व्यूअर्स की तरफ से जो आएंगे वो पूछो, आप ये पूछ, वो पहले पूछेंगे कि इनके बालों को ज़्यादा गर्मी में संभालना कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा? गर्मी में तो संभालना चैलेंज होता है, तो हमारे लिए ये काफ़ी टाइम एसी में रहता है, ठीक है, वो एसी में तो रखना ही पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग कोट वाला डॉग है, अंडर कोट भी होता है, ठीक है, तो अगर सिर्फ समर्स के पॉइंट ऑफ इंडियन क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं फिर तो शॉर्ट कोट डॉग लेना चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन है, इस ब्रीड को
हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जॉइंट्स के, हिप के होते हैं। अगर किसी के घर में मार्बल या स्लिपरी फ्लोर है, वहाँ पर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कितना बड़ा रोल या कितनी इम्पोर्टेंस है? वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मार्बल फ्लोर वगैरह है, मार्बल मतलब अगर पॉलिश्ड फ्लोर है, स्लिपरी, हाँ पॉलिश्ड फ्लोर है, स्लिप करता है, तो जो फ़र्क पड़ता है वो पपी एज में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पपी एज में बोन्स नरम होती हैं। टू वो मैंने 9 months 10 months तक तो बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट, तब तक आपको हेल्प करना है उसको, क्योंकि वो दौड़ेगा पिड़ेगा तो पैर उसके स्प्रेड हो जाएंगे। कैल्शियम तो ऐसे भी देना ही पड़ता है, क्योंकि फ्लोर भी अच्छा है फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो आपको प्रोडक्ट की पीछे भार में ना लटका रहे, बेड पर पैर रख के पीछे वेट ना दे, मैं अगर शो क्वालिटी आप सोचता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये डॉग फिजिकल एक्सरसाइज की कितनी डिमांड करते हैं? सुबह अच्छी लंबी वॉक? बहुत कम, ना ना ना, गोल्डन को नहीं, गोल्डन बहुत लिमिटेड एक्सरसाइज करता है। ही लव्स लेजर एक्टिविटी, मतलब इसके साथ ज्यादा देर बॉल भी नहीं खेलना है, इसको आराम से बैठ के ऐसे ज्यादा इंटेलिजेंट वाली चीजें इसको पसंद है रादर देन ज्यादा भाग दौड़ वाली चीजें। और इसका जो बिहेवियर है वो मिडिल एज बच्चों के साथ और सीनियर डॉग सिटीजन के साथ सबके साथ, गोल्डन सबसे दोस्त है, गोल्डन में भी एक यूरोपियन है एक अमेरिकन है, जो यूरोपियन है वो और भी शांत है, शांत वाली ब्रीड होती है, लेकिन अमेरिकन थोड़ी सी फिर भी, क्योंकि इसके कुछ बाइटिंग के इंसिडेंट आए हैं तो कुड बी पॉसिबल कि वो, अगर किसी ने भी कहा है ना बाइटिंग यूरोपियन गोल्डन, तो मैं आपको कह देता हूँ उसने एक फॉल्स स्टेटमेंट दी है, कभी भी नहीं हो सकता। अमेरिकन वो हो सकते हैं, अमेरिकन का हो सकते हैं, लेकिन वो फॉल्ट डॉग का नहीं होता, वो ओनर का होता है, अपब्रिंगिंग पर फॉल्ट होता है। सारे बच्चे ब्रीड में अच्छे होते हैं नॉर्मली, इस ब्रीड में अपब्रिंगिंग खराब हो, मतलब उसको चेन में बांध के हर वक्त रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली टेम्परमेंट खराब होगी ना, तो वो ओनर का फॉल्ट होता है, अपब्रिंगिंग का फॉल्ट, नॉट। और आपका एज ए, चलो गुड़िया और सर तो कहीं, आपके साथ ये कैसे रहता है अगर ये दोनों घर में ना हो? ये मेरा बेबी की तरह है, मतलब अगर घर में कोई भी नहीं है तो वही मेरा सबसे, मतलब हमेशा हेल्प करने को, हर चीज़ करने को, मतलब मैं लोनली नहीं फील कर सकती हूँ, वो ऑलवेज मेरे साथ 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 रहता है। किचन के में अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ये वहीं रहेगा, अगर मैं बेडरूम में जा रही हूँ तो मेरे बेड के साइड में रहेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पापा, सेकेंड दीदी एंड थर्ड में वो जो जैसे रखे। और ये कितना सच है कि ये ब्लैकमेल कर कर अपनी भोली भोली आंखों से अपनी हर बात मनवा लेते हैं? इसका आईज मैंने इतना वो है, ऐसा लगता है कि इसकी सारी बात सुन देना होगा ना, तो फिर भी आपको लगेगा कि यार बच्चा मांग रहा है दे दिया जाए। रिंग नंबर 4 गोल्डन टेबल जाना है, थैंक यू वेरी मच। गाइस अगर आप स्टैंडर्ड अमेरिकन बुली साइज में, स्टैंडर्ड आप जानते हो अमेरिकन बुली बहुत अलग अलग साइज में होते हैं, स्टैंडर्ड साइज के बारे में आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं सर से, आइए। ओ वाओ बुली, ठीक है। हाँ जी नमस्कार सर, सत श्रीकाल जी। सर कहाँ से? अच्छा समरालय से आए हैं, ये मैं देख रहा हूँ, पहले इसका नाम बताइए और एज। मिस्टर रैम्पो है जी, 1.5 साल का है। ओके, और दूसरा फीमेल? पहले सिंह साहब आपसे एक बात पूछूं, जो भी बात चल रही है कि बुली चंडीगढ़ में फलाना या कभी और स्टेट में बात चलती है, आप कितने समय से अमेरिकन बुली में काम करते हो? 10 साल से कम 10 ईयर्स। और कभी लगा कि ऐसा अमेरिकन बुली ने कुछ ऐसा जो अच्छा पिटबुल अच्छा अमेरिकन बुली सिर्फ वहाँ प्रॉब्लम करता है जो मिक्स होता है पिटबुल के साथ, ठीक है जी। ओके आप बताइए आपके कैनल का नाम कुछ, लोकेशन? ओके नज़दीक ही होगा कहीं। आपके पास इसके अलावा कोई और ब्रीड भी है जब बुली में काम करते हैं? ठीक है, आजकल अमेरिकन बुली का ब्लू कलर में क्या प्राइस चलता है? नॉर्मल क्वालिटी में 15,000 और कोई चैंपियन 25-25 से स्टार्ट होगा। और आपके पास स्टड सर्विस भी है, वो आप कैश पर करते हो या फिर पप्स के ऊपर? जानकार
जाकर जहाँ पर लोकल एरिया से होते हैं उन पर हम प्रेफर करा देते हैं, ज़्यादातर हम कैश मीटिंग ही कराते हैं क्योंकि ये टॉप चैंपियन है, ये 9th चैंपियन है, पिछले सीजन में जितने भी शो लाए हैं सभी में चैंपियन हुआ है। दैट्स अ गुड। थोड़ा अपना एक नंबर एक बार कॉन्टैक्ट जरूर बताइए। तो गाइस अमेरिकन बुली में और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ये जो आपको अभी दिखा रहा हूँ मेल फीमेल, वाओ लुक एट द क्वालिटी। अमेरिकन बुली को रखना पंजाब में या यहाँ के कह लो कि वेदर में कितना इंडिया के, कुछ ज़्यादा मुश्किल है क्या? ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है क्योंकि पहले हेयर थोड़े होते हैं शेडी होते हैं, इससे समय कर जाते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिहड़ा जो माइक्रो में होते हैं जब वो ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ, आपको क्या लगा कि स्टैंडर्ड की मार्केट अभी इस समय ज़्यादा चल रही है या माइक्रो में? अभी इस समय सर स्टैंडर्ड में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, पहले जैसे माइक्रो साइज के पीछे लोग ज़्यादा थे लेकिन अब जैसे इनका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है स्टैंडर्ड। ठीक है, माइक्रो में एक भी दिक्कत आती है ना जब डिलीवरी की होती है तो भी वहाँ पर बत्ते ऑपरेट करने, बत्ते बच्चे फंसने का चांस रहता है ना। तो गाइज अगर आप इस समय ब्रीडिंग लाइन में आना तो आना चाहते हो तो स्टैंडर्ड दोबारा बैक टू द फॉर्म कह लो या बैक टू द गेम आ गया है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले स्टैंडर्ड के काफ़ी बोलबाला था लेकिन उसके बाद पॉकेट माइक्रो में थोड़ा सा पीछे चला गया, लेकिन बैक टू द फॉर्म। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब, धन्यवाद जी ताडा। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हितेश है। हितेश सर कहाँ से आया? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, ये बब्बर शेर के बारे में बताइए, ये कौन सी ब्रीड है? सर ये अलास्कन मेलाम्यूट है। गाइस सुना, अलास्कन मेलाम्यूट। मैं जब मेरे एक छोटा सा चैनल यूट्यूब चैनल, जब भी मैं इसके बारे में कभी इंफॉर्मेशन डालता हूँ ना कि ये ऐसा है, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसको इंडिया में रह पाना या रख पाना इम्पॉसिबल है। आप इसके बारे में? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की थिंकिंग है कि रखना इम्पॉसिबल है। अब हम लोगों के पास भी आठ हैं, आठ अलास्कन मेलाम्यूट। ओके वेरी गुड। जिसमें से ये एक पूरा वाइट, प्योर वाइट रेयर कलर है, एक ये रेड एंड वाइट कलर का है। इसको कॉपर कलर कह लो या रेड एंड वाइट कह लो? हाँ कॉपर वाइन कलर भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, इसके पेयर है वाइट का पेयर है, एक ब्लैक एंड वाइट है, एक ग्रे एंड वाइट है। इसको जो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि ये आते हैं ठंडी कंट्री से, इसका कोट बहुत थिक है, आपको कंपलसरी गर्मियों में एसी चाहिए चाहिए? सर देखिए एसी जो इनको चाहिए होता है वो चाहिए होता है ह्यूमिड में, लगभग ह्यूमिडिटी जब बारिश का समय होता है तब इनको एसी चाहिए होता है। मॉनसून सीजन के, मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन जब अपना नॉर्थ में रहता है तब इनको एसी चाहिए, अदरवाइज इनको कूलर में रखा जाता है। बड़े आराम से, आराम से कूलर में बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कह लो कि कूलर हमारे, कूलर थोड़े बड़े साइज के हैं हमारे बट फर्स्ट क्लास रहते हैं ये, बड़े आराम से। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गर्मियों में कुछ लोग इसको शेव कर देते हैं। नहीं सर, शेव किसी भी डॉग को नहीं करना चाहिए। Okay. किसी भी, चाहे वो छोटी ब्रीड हो, चाहे बड़ी ब्रीड हो, चाहे मीडियम ब्रीड हो, किसी को भी शेव ऑफ नहीं करना चाहिए। इस ब्रीड का बिहेवियर के बारे में आप क्या कहते हैं? सर बेसिकली जेंटल जाइंट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत एकदम, बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ फ्रेंडली। डॉग्स के साथ थोड़ा सा अग्रेशन दिखाते हैं बट वो भी इसलिए क्योंकि थोड़ा जायंट साइज है, इस वजह से। और खड़ा करोगे भैया? नहीं ज़्यादा मत कर। एक और क्वेश्चन था, स्लिपरी फ्लोर मार्बल फ्लोर, हाँ जी स्लिप, इनको दिक्कत आती है? वो हर किसी ब्रीड को आती है, चाहे वो बड़ी ब्रीड हो चाहे छोटी ब्रीड हो, स्लिपरी फ्लोर्स पे, मार्बल्स पे, उनको सभी को प्रॉब्लम, सप्लीमेंट की जरूरत हो जाएगी, बिल्कुल चाहिए साथ में उनको एक्सरसाइज की। कितनी डिमांड करते हैं सुबह शाम? सर ये मॉर्निंग में फार्म में करीबन पौना घंटा की वॉक सुबह करके आता है, उसके बाद आधा घंटा, हाँ उसके बाद आधा घंटा ये लॉन में खेलता है,
सफिशिएंट है इसके लिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा करता ही नहीं है। कोई भी जो नौकरी ऑफिस वाले हैं वो इसको रख सकते हैं इजीली, इजीली। एक और आइडिया इस ब्रीड का जो, बट उनके पास कम से कम इसके लिए टाइम हो तो, क्योंकि ग्रूमिंग की आप बात कर रहे हैं। हां जी बिल्कुल, वो टाइम ज्यादा लेगा। ग्रूमिंग कोई भी ब्रीड रखें आप, उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो ही रखें, अदरवाइज मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोई डॉग मत रखें। बालों वाली कोई भी ब्रीड मत रखें। एक इस ब्रीड का जो प्राइस है मिनिमम और मैक्सिमम कितना जा सकता है? सर अभी इंडिया में इसका जो प्राइस है वो नियर अबाउट 1 लाख से स्टार्ट है, और आगे डिपेंडेंट क्वालिटी जैसे आपने कहा कि व्हाइट कलर में रेयर है, रेयर है, कितने लाखों तक का चला जाएगा? सर अभी उसके पप्स हुए नहीं है, पप्स हो जाएंगे। आइडियल नियर अबाउट 2 लाख स्टार्टिंग प्राइस। ओके गाइस, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन जनाब से दी। आप वैसे किस फार्म से बिलोंग करते हैं? सर हम लोगों का कैनल दिल्ली बेस्ड है। और कैनल का नाम, लोकेशन? दिल्ली में रोहिणी में, नियर बाय रोहिणी। और अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट सर्विस या पप्स की डिमांड के लिए कोई कांटेक्ट करवा दे। हां श्योर। एग्जीबिटर्स प्लीज कम इन नंबर 5 अलास्का ओनली बीओबी एग्जीबिटर्स, दिस इज योर लास्ट कॉल फॉर बोस्टन टेरियर एंड फ्रेंच बुलडॉग। 7836 91 74 56। इसका मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जा सकता है? सर मैक्सिमम जो अभी तक हम लोगों ने हाईएस्ट सुना है वो नियर अबाउट 90 kg 95 kg सुना है। गाइस ये है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं मैनेज कर रहा हूँ किस तरह आप दिखाई कर रहा हूँ। तो ये मेडल्स गोज टू द प्रेडी और सबसे ये गोल्डन हार्ट। हमने सुखना लेक से अडॉप्ट किया है और 8-9 months हो गए इसको अडॉप्ट किए हुए। वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर आपने फॉलो किया? हाँ जी, पूरे वैक्सीनेटेड है ये। अब आज के डॉग शो के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? हम गुड़गांव से आ रहे थे, हम गुड़गांव रहते हैं और रास्ते में ये हमने बोर्ड देखा तो हमने सोचा कि देखते हैं ये है हो क्या रहा है। अभी हम आए तो पता चला यहाँ पे डॉग शो हो रहा है, तो बस हम आ गए ऐसे ही लेके फ्रेडी को। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, भोला शोला के नाम से चैनल है यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर। हम डॉग शो की अपडेट्स डालते रहते हैं 2-3-4 दिन पहले कि कब कहाँ होना है। ग्रेट। और आपको कितनी खुशी हुई कि आज इसने बाकी जो हाइब्रिडों की तरह कुछ ना कुछ जीता, जिसने मेडल जीता? बहुत खुशी हुई और लोगों को इंडी डॉग्स अडॉप्ट करने चाहिए। एक मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको इस ब्रीड के बिहेवियर में फर्क लगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा है कुत्ता। कभी इसने मतलब कोई कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं की है घर में, बहुत वेल ट्रेंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, बुढ़िया आपका नाम? सना। सना, सना आप जैसे मम्मी के साथ, चलो माना कि वो बड़े हैं, वो डरता होगा, कि आपको लगा कभी इसका बिहेवियर में फ़र्क, कभी इसने गुर्राया हो आप पर डराने की कोशिश की हो? नहीं, पूरी मस्ती करता है। हाँ जी। तो मान लीजिए कि दूसरी ब्रीडों की तरह ही ये बड़े आराम से रह सकता है। हाँ जी। और ये नन्हे, और आप इसको साथ शैतानी करते हो? No. खेलते तो हो फुटबॉल? I play with him football. I throw the ropes and make him catch it. And कभी डर लगा आपको इसी से या कोई बिहेवियर में? No. तो गाइज मैं ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि जो इंडी ब्रीड या हमारी कम्युनिटी डॉग, स्ट्रीट डॉग कह लो, ये भी आप अगर अडॉप्ट करोगे तो घर में ये आप ही के बिहेवियर के हिसाब से हो जाएंगे। मैडम एक कहावत है कि डॉग का बिहेवियर होता है ना, वो ऑनर पर डिपेंड होता है कि कैसे उसको बनाते हैं। कभी कभी हाइब्रिड डॉग भी लोगों को काटते हैं। हाँ जी। और जैसे आपके एग्जांपल, इसका नाम भूल गया मैं, फ्रेडी, जैसे ये फ्रेडी है, फ्रेडी ने आपके बच्चों के साथ आपके साथ बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बिहेवियर किया। हाँ जी। That's और बहुत प्लेफुल डॉग है। ओके। और बाकी जो और लोग हैं जो डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे कि क्यों ना हम स्ट्रीट डॉग या कम्युनिटी डॉग को अडॉप्ट करें? प्लीज एब्सोल्युटली अडॉप्ट डॉग्स, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स, एंड डोंट शॉप, आई वुड से। थैंक यू वेरी मच। एंड इतना बढ़िया आपने ये ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लोग आपको देखकर और लोग भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।